हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेरीमीटर का टॉपिक। क्या होता है पेरीमीटर? द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। कोई भी फिगर है, अगर उसके चारों साइड की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए फिगर है तो उसके चारों साइड जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसी को हम पेरीमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरीमीटर। अब हम सीखेंगे कि पेरीमीटर हम किस तरीके से निकालते हैं। सो देखिए, कोई भी फिगर अगर हमें गिवन है तो उसके चारों साइड की जो लेंथ है, अगर हम उनको ऐड कर दें तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? बाय एडिंग द लेंथ ऑफ अ फिगर। ठीक है, चारों साइड की। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एक फिगर है। ठीक है, अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। सो हमें क्या करना है? पेरीमीटर निकालने के लिए हम सारी साइडों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इन चारों साइडों को लेते हैं, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर एंड प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ये वाली चारों साइडों को लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम ले रहे हैं इन चारों वाली साइडों को, या आप इसको एक साथ, जैसे मैंने यहां पे 1 सेंटीमीटर लिखा तो आप इसको 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये और ये हो गया 3 और ये हो गया 3, तो कितना हो गया? टोटल 6 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी एड कर सकते हो कि ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये है 1.5, तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, 6 सेंटीमीटर। अब हमारा कौन सी सेंटीमीटर रह गई है? हमने ये वाली भी ले ली है, ठीक है, और हमने इस वाली को भी ले लिया है, तो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्योंकि सबसे पहले हमने ये 1 सेंटीमीटर इंक्लूड किया था, उसके बाद ये चारों, ठीक है, और उसके बाद ये चारों। सो जो हमारा टोटल है वो आ गया 6 और 6 12 और 4 16 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से जो है फाइंड आउट करेंगे किसी भी फिगर का पेरीमीटर। सो एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, इस फिगर का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 2 सेंटीमीटर। अगर आप भूल जाते हैं कि आपने कौन कौन सी साइड को ऐड कर लिया है, तो आप हल्का सा इस तरह से टिक भी लगा सकते हैं और अब हम इसको ऐड कर देंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस फिगर का हमें बताना है पेरीमीटर, या मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर निकाल के। इसका भी आप बताइएगा मुझे, तो दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और फिर इनका आंसर आप फाइंड आउट करके मुझे बता सकते हो। नाउ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, अब हम वही जानेंगे। देखिए, जो स्क्वायर होती है उसका चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती है। मान लीजिए अगर ये साइड एस है, ये साइड क्या है? एस है, ये लेंथ जो है एस है, तो हम उसको कितनी बार ऐड करेंगे? 4 टाइम। कितनी बार ऐड करेंगे? 4 टाइम। तो ये आ गया 4s। s यहाँ पे क्या है? साइड, 4 into साइड। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का? 4 into साइड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर निकालें, मान लीजिए ये ए बी बी सी सी डी एक स्क्वायर है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए बी, इनकी साइडों को प्लस कर दीजिए, बी सी सी डी प्लस डी ए। ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है, बीसी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो टोटल कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अब आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कैसे? 4 into 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्या आ जाएगा फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 into साइड। अब मान लीजिए हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, सॉरी सबसे पहले ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का हम कैसे निकालेंगे? देखिए 3 साइड है, तो 3 into साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा पेरीमीटर? 3 into साइड। अब मान लीजिए ये एक साइड है 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, तो 3 into 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइडें बराबर है, तो 3 into 5 15 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, ये जो
ट्रायंगल है इसकी सारी साइडें अनइक्वल है या दो साइड इक्वल है एक साइड अनइक्वल है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें अपने वही फॉर्मूला करना पड़ेगा साइड प्लस वाला, है ना, प्लस करके हम निकालेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम 3 × 2 साइड तो नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एंड प्लस 4 सेंटीमीटर, नाउ 14 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर आ जाएगा इस ट्राइंगल का। अब है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, अब हम वही सीखेंगे, ठीक है। सो ये एक रेक्टेंगल है, हमारे पास चारों साइडें जो है गिवन है। देखिए जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ बराबर होती है और उसकी ब्रेथ भी इक्वल होती है ना, लेंथ एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल है, ब्रेथ एक दूसरे के इक्वल। आप देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 × x + y, 2 × x + y, इसको हम यहां एल और प्लस बी भी लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। कैसे आया ये फॉर्मूला अब हम वही जानेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमें पेरीमीटर निकालने के लिए सारी साइडों को जोड़ना पड़ता है, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ठीक है। नाउ ए बी जो है, जो ए बी है हमारा वो किसके इक्वल है, सी डी के, तो यहां पे हम ए बी लिख दीजिए, है ना, और बी सी, ठीक है, बी सी हमारा किसके इक्वल है, डी ए के, तो बी सी को हम रख लेते हैं और डी ए की जगह हम बी सी लिख लेते हैं, ठीक है। सो 2AB हो गया हमारा, ठीक है, 2AB हो गया, 2BC हो गया है, आया समझ में। अब ये हमारी होती है लेंथ और ये होती है हमारी ब्रेथ, तो AB की जगह आप लेंथ लिख दो, इसकी जगह आप लिख दो ब्रेथ, और 2 को हम ले लेंगे कॉमन। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। नाउ अब इसका आप कैसे आंसर निकालेंगे, सो लेंथ हमारी 4 है और ब्रेथ हमारी कितनी है, 3, सो ये कितना हो गया 7, 7 × 2 = 14, सो पेरीमीटर आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग लेंथ, मिसिंग लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बुक में गिवन होते हैं कि आपको इस तरह से दे दिए और पूछा जाए कि आप मिसिंग जो लेंथ है उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले आप अपना पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम, जैसे 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, देन ये वाली साइड निकालनी है ना हमें, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क करके। पेरीमीटर हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर प्लस ये वाली साइड, इसको आप मान भी सकते हो लेट एक्स, तो आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, सो ये जो वाली साइड है वो आपकी है 5 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल और लेते हैं इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, और सारी साइडों को यहां पर जोड़कर हम दिखा देंगे। आप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि कौन से फिगर है तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको आप एक्स मान सकते हो, आप लिख भी सकते हो लेट द मिसिंग साइड बी एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हो लेट द मिसिंग साइड बी एक्स, तो आप हम यहां लिख देंगे x सेंटीमीटर, ठीक है x। अब हमें इसकी फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर 17 सेंटीमीटर गिवन है और ये हो जाएगा हमारा कितना 7 × 6 = 13 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। नाउ हमें तो x की फाइंड आउट करनी है ना वैल्यू, सो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा और द आंसर जो है वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वेयर साइड आर 4 सेंटीमीटर, आपको इस तरह से क्वेश्चंस भी गिवन हो सकते हैं जहां पे आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, तो हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड, सो 4 और साइड हमारे कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, सो ये आपका आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे और इसी तरीके से हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ और ब्रेथ आर गिवन, पेरीमीटर बताना है किसका, रेक्टेंगल का, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए आप, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ×
एक्स प्लस बी भी आप लिख सकते, एक्स वाई भी लिख सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ भी लिख सकते हो. सो यहाँ पे जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर गिवन है. सो 3 और 4 सबसे पहले आप ऐड करेंगे, ये ना कि मल्टीप्लाई करने लग गए, नहीं, क्योंकि पहले ब्रैकेट का हम सोल्व करते हैं. तो 3 और 4 7, 2 × 7 सेंटीमीटर और आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर. अगेन जो बी हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो यहाँ पे जो लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 17 सेंटीमीटर है. पहले हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है. सो ये आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर × 2, सो ये आपका आ जाएगा 72 सेंटीमीटर, ठीक है. इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं. सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल.